नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर। माता रानी आप सभी लोगों का कल्याण करें। धन्य धान्य से पुत्र पुत्रादि से आपके भंडारे भरे रखे, भरे रखे, भरे रखे। नमस्कार, मैं रुद्रेंद्र मिश्रा अयोध्या से आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं जानता हूं कि कोरोना की इस महामारी ने पूरे विश्व को हिला के रख दिया। आर्थिक तंगियों का मुकाबला कर रहे हैं हम सभी लोग, कैसे तैसे पूरे घर का खर्च संभाल रहे हैं। व्यापार बाधित हो गए, नौकरियां बाधित हो गई, रोजगार बाधित हो गए। बड़ी ही विकट समस्या है। अभी कोरोना गया नहीं, सावधान है, मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और उचित दूरी बना रखें जब तक का पूर्णता इसका इलाज ना आ जाए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम आप पैसों को लेकर काफी परेशान हैं, या पीछे से भी ऐसा होता चला आ रहा है कि पैसे के बिना सारी सारी आवश्यकताएं, सारी जरूरतें, सारा जो तमन्नाएं हैं, ख्वाहिश है, हमारी इच्छाएं हैं, सब मरी जा रही हैं। और पैसा किसके पास होता है? पैसा कौन लोग कमाते हैं मालूम है आपको? पैसा उन्हीं लोगों के पास होता है जिसके लिए लोग काम करते हैं, जो समय को खरीदना जानते हैं, जो दिमाग यूज करते हैं। बिजनेस का भी एक तरीका होता है, ठीक है? एक हुआ हम खरीद, मैं दुकान खोल लिया, मैं सामान दे रहा हूं, आप आ रहे ले रहे हैं, ठीक ही होता। और एक होता मैं, हमारे पास एक सिस्टम बना लिया, उसके तहत बहुत सारे लोग ले रहे हैं। बहरहाल विषय हमारा अलग है, मैं दूसरी भाषा में नहीं जाना चाहता हूं, ये नेटवर्क की लैंग्वेज हो जाएगी। पैसे को लेकर बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, कमाते हैं ऐसी बात नहीं, अच्छा कमाते हैं, धमाते हैं, पछता नहीं। या बहुत से लोग पूरी जिंदगी संघर्ष करते ही बीत जाता है। घर में जरा से कोई बीमार हुआ तो दूसरे से कर्ज लो, बच्चे की पढ़ाई के लिए हुआ तो दूसरे से कर्ज लो, कहीं जाना हुआ, शादी ब्याह हुआ तो दूसरे से कर्ज लो। यानी उनकी जिंदगी सिर्फ कर्ज लेते ही बीत जाती है, बस खाते हैं, हल्का फुल्का पहन लेते हैं। तो आज मैं ऐसे भाई बहनों के लिए ऐसा अचूक प्रयोग लेके आया हुआ हूं जिसका वार कभी खाली नहीं जाता है। सिर्फ वर्ष में एक बार ये प्रयोग किया जाता है, बहुत दुर्लभ है लेकिन आसान भी है। दोस्तों, अगर सफर तय करना है तो चलना तो पड़ेगा ही, मंजिल को हासिल करना है तो चलना पड़ेगा ही। आम के फल खाना है तो पेड़ लगाना ही पड़ेगा, देख रेख करना ही पड़ेगा, यानी मेहनत तो करनी पड़ेगी। घर पे बैठे बैठाए सोचो धीरू भाई अंबानी बन जाए तो जो रहेगा वो भी चला जाएगा। सोचो हाथ दिखाया पंडित जी को, पंडित जी ने बताया राजयोग बनना, तो घर पे बैठे रहोगे, हो जाएगा भंगीकरण, कुछ नहीं हो पाएगा। हस्त रेखाएं कुंडलियां एक इशारा करती हैं कि आप ऐसा हो सकता है, आप ऐसे योग हैं, बशर्ते आप लगे रहो, मेहनत करते रहो। तो चलिए उपाय बताते हैं। उपाय बताने से पहले मैं हमेशा तरीके एक निवेदन करूंगा कि मैं और मेरा चैनल, मेरा परिवार, आप सभी विश्व के जितने भी सनातन धर्म के बंधु या अलग धर्म के भी बंधु हैं, मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं, इज्जत करता हूं और आप सभी लोगों के लिए निशुल्क सेवा के लिए हमेशा प्रयासरत रहता हूं। मेरा चैनल तंत्र मंत्र यंत्र के नाम पे कभी एक रुपए स्वीकार नहीं करता है। हमारे यहाँ आपको किसी प्रकार के तंत्र मंत्र के नाम पे एक रुपए नहीं देना, ना किसी और को देना है। हमारे यहाँ निःशुल्क आपको उपाय बताए जाते हैं, निःशुल्क सलाह दी जाती है, निःशुल्क आप सुबह 10 से 5 बजे तक का कॉल करके अपनी जानकारियां ले सकते हैं, व्हाट्सएप पे नहीं। उसके साथ मैं पूजन निःशुल्क करता हूँ, सामग्री नहीं दे पाता हूँ, आप खुद आइए, सामग्री खरीदिए और खुद करवाइए। और मैं खुदाई वो भी नहीं करता हूँ, चैलेंज भी नहीं करता हूँ,
क्योंकि करने वाला तो कोई दूसरा हम लोग तक माध्यम है। इसके साथ मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 7497982880, एक ये नंबर, दूसरा 9118036409। ये सुबह 10 बजे से शाम को 4 बजे तक खुले रहते हैं, रविवार छुट्टी रहती है। तो आइए उपाय बताते हैं, कॉपी उठाइए, पेन उठाइए, जल्दी जाइए, जल्दी जाइए। हाँ हाँ आपसे कह रहे हैं, अच्छा आपको याद हो जाएगा, तो चलिए बता देता हूँ मित्रों, दीपावली आने वाली है, दीपावली आने वाली, जानते हैं ना, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप लोग जिस शहर में जिस एरिया में रहते हैं, ऐसी जो हमारे यहाँ किन्नर होते हैं ऐसे उनका जहाँ आवास होता है ये मालूम करें कि किन्नर कहाँ रहते हैं। दीपावली के दो दिन पहले आपको 1.25 किलो चावल, 1.25 किलो दाल, 1.25 किलो आटा, 1.25 किलो चीनी और लगभग 1 लीटर दूध, ये चीज ले जाके किन्नर को देना है और बोलना है, उनको प्रणाम करो, आशीर्वाद लो, बोलना है कि मैं दीपावली की प्रातः काल आऊंगा, आप मुझे 1 रुपए का सिक्का या कुछ मुद्रा जो समझिएगा बगैर बोले, मैं उस समय बोलूंगा नहीं, दे दीजिएगा। वो हो सकता है कि कुछ बोले कि नहीं भैया ऐसा क्यों कह रहे हैं कि बोलना ना पड़े, तो सिर्फ बोल देना कि आप लोग जानते हैं सिक्के का महत्व, अगर आप इच्छा है तो दे दीजिएगा, ठीक है। दीपावली ये बोल के चले आना, जब वो एग्री हो जाए आपका, उसका सहमत हो जाए कि हाँ बेटा आना मैं दे दूंगी। तो दीपावली के प्रातः काल आप जाना है, जल्दी से जल्दी नहा धो करके प्रसन्न चित्त, जैसे हम कोई खुशी के लिए कोई चीज लाने जाते हैं, कोई गिफ्ट लाने जाते हैं, किसी को कोई पड़ा होता है प्रसन्न होके जाते हैं, उस तरीके प्रसन्न होके जाइए। और उस दिन भी उसके लिए जो किन्नर हैं उनके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके जाइए, उनको दीजिए, प्रणाम करिए, और पीले रुमाल में वो सिक्का लेना, हाथ पे नहीं लेना, पहले पीला रुमाल लेना, उस पे ले लेना सिक्का, लेने के बाद उसी समय वहां पे 3 गांठ मार देना, तीन गांठ मारने के बाद उस सिक्के को घर पे लाना है, उसके ऊपर 3 रोली के तिलक लगाना है, उसके ऊपर केसर डालना है, धूप दीप देना है, ठीक है, कोई मंत्र की आवश्यकता नहीं, धूप दीप देना है। उसके बाद 1 बजे दोपहर को, 1 बजे दोपहर को इस पोटली को एक छोटे से मिट्टी के बर्तन के अंदर, जो कलश टाइप का था उसके अंदर डाल देना है, उसमें पानी डाल देना, गंगा जल, शहद और 5 सिक्के डाल देना, और उसके ऊपर एक दीपक घी का, जलाना नहीं, रख देना, और जैसे सूर्य डूबेगा दीपावली की रात को, वैसे ही ये चारों बत्ती घी जो कलश के ऊपर दीपक रहेगा उसकी चारों बत्तियां जला देना। ध्यान है, रात में आपको उठ उठ देखना है इसका आयल मतलब तेल ना खत्म होने पाए, तेल मतलब घी, जिसके पास घी ना हो तो मीठा तेल भी जला सकते हैं, घी खत्म हो डालते रहिए आप। ये सारी रात दीपक जलेगा, अगले दिन प्रातः सूर्योदय से पहले इसमें से आप गट्ठर वो निकालिए, धूप दीप दे के अपने जो तिजोरी वहां रखिए, पूजा पाठ वाले स्थान पर रखिए, गल्ले में जहां आपका धन रखते हो, जेवर जेवरात वहां रखिए, और उस पानी को, कलश के पानी को पूरे घर में छिड़क दीजिए। ये आसान सा प्रयोग है, जबरदस्त है, अब आप करेंगे लाभ उठाएंगे। ऐसे प्रयोग आपको जल्दी यूट्यूब पे कहीं आपको किताबों में नहीं देखने को मिलेंगे, कारण मैं गुरु ज्ञान द्वारा, गुरु के द्वारा जो चीज परखी आजमाई चमत्कारी चीज होती वो आप लोगों को देता हूं, कुछ छुपाता नहीं हूं। क्यों नहीं छुपाता हूं कि हमारे बुजुर्ग, हमारे जो पीर पैगंबर थे, साधु संत थे, योगी थे, उनकी कोई सेवा करने वाला नहीं बचा, और वो अपनी विद्याओं को मरने के साथ ही ले गए, इसीलिए हमारी विद्याएं लुप्त होती चली गईं, और मैं नहीं चाहता हूं कि हिंदुस्तान की विद्या, हमारे धर्म की विद्या, हमारे कुल की विद्याएं लुप्त हों, बल्कि ये और ज्यादा ज्यादा लोगों को भी शेयर हो, ताकि इसका जायज प्रयोग हो, हकीकत में प्रयोग हो, लोग लाभ उठाएं और उससे जन कल्याण हो। अभी मैं दीपावली के रात्रि में महानिशा रात्रि उसमें छल्ला बना रहा हूँ, ये कोई मामूली छल्ला नहीं होता है, इसके अंदर समुद्री मछली जो बड़े बड़े कांटे होते हैं फंसाने वाले सब उस वो लगता है, वो अमावस के दिन का लाया हुआ, अमावस कोई काले घोड़े की नाल लाई हुई, नाव की कील लाई हुई, ठीक है, राजा के सिंहासन के नीचे के जो होते हैं वहां से, राजद्वार से लाई हुई कील, ठीक है,
वैश्या जो होती है, वैश्या, अब तो वैश्या अलग मायने हो गया, वैश्या जो खाना बनाती है और जो चिमटा प्रयोग लोहे का होता है वो लोहा, यानी पांच तरीके के लोहे को गला के वो छल्ला बनाया जाता है, और जो लोहार बनाता है वो एकदम निवस्त्र होके बनाता है, फिर उसके बाद इसको पीपल के ऊपर चढ़ के उस पर मंत्र पढ़ा जाता है, पाकड़ के पेड़ के ऊपर चढ़ के उसके ऊपर सिद्ध किया जाता है, गूलर के पेड़ के ऊपर उसके ऊपर सिद्ध किया जाता है, ठीक है, जामुन का वृक्ष उसके ऊपर सिद्ध किया जाता है, आखिरी में आम का, यानी पांच पेड़ों के ऊपर पढ़ के वो सारे छल्लों को सिद्ध करके वो करके तब उसके अंदर इतनी पावर होती है कि वो छल्ला मात्र धारण करने से किसी का कोई भी कार्य जल्दी रुकता नहीं, हर कार्य में सफल होते हैं, इंटरव्यू में सफल होते हैं, अपनी नौकरी में सफल होते हैं, व्यापार में सफल होते हैं। ये मैं पूर्णता बना रहा हूँ, इसकी अगली वीडियो डालूंगा, और इसका मैं ऐसे नहीं दूंगा कि फ्री में दूंगा, क्योंकि ये सब में जो मंगवाना पड़ता है समय लगता है, वो लगता है, इसमें मुझे देना पड़ता है, तो मैं लूंगा, आप मंगाएं या मत मंगाएं। इसकी अनुदान राशि 1100 रहेगी, जो लोग मंगाना चाहेंगे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे पैसे डाल के अपना नाम पता अभी से बुक करा लें, अन्यथा बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा, मुश्किल से 20 से 25 छल्ले ही अवेलेबल हो पाएंगे, बाकी अपने जो हमारे शिष्य हैं जो हमसे दीक्षित हैं उनको दिया जाएगा, हमारे रिलेशन में हैं हमारे जानने वाले उनको दिया जाएगा। चलिए, बड़ा अच्छा लगता है जब आपका आशीर्वाद आपका प्यार हमको मिलता है, हमारे चैनल को मिलता है, यकीन मानिए अगर आप हमारी वीडियो को चैनल को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करते हैं तो मैं जिस देवी को पूजता हूँ, जिस भगवान को जो हमारे इष्ट हैं, मैं उनसे नित प्रार्थना करता हूँ कि हमारे चैनल को जो शेयर करते हैं भगवान, वो कोई भी हो कैसा भी हो, आप सब देख रहे हैं आपसे कुछ छुपा नहीं है, उनका उनके बच्चों का उनके परिवार का कल्याण करें। इसी के साथ रुद्रेन शरण मिश्रा श्री राम की नगरी अयोध्या उत्तर प्रदेश से आप सभी लोगों से विदाई लेता है, मिलता हूं एक छोटे से ब्रेक इसलिए छूटा करो, कल फिर वीडियो डालूंगा। जय श्री राम बोलिए, जय माता की बोलिए, हर 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 हर।